नमस्ते कंवर जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। तुला लग्न के लिए अक्टूबर महीना कैसा रहेगा, अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा तुला लग्न के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए। देखिए मैंने इसका हेडिंग लिखा है इस महीने का, शुक्र 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके 12वें स्थान में जाएगा। यू हैव टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, आपके खर्चों को अभी आप स्टडी करना चालू कर दो 24 सितंबर से 17 अक्टूबर में। वो खर्च में से जो जरूरी नहीं है उसको अवॉइड करें। कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग हो सकता है, ये हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकता है, और कोई एनजीओ के साथ आप जुड़ सकते हैं। थोड़े केयरफुल रहिएगा आपके हेल्थ के लिए, या तो कोई आपको चीट नहीं करेगा उसके लिए केयरफुल रहिएगा। ये टाइम में कहीं बहुत सारा आपके अंदर लोनलीनेस फील करने वाले हैं आप। कम से कम देखिए इस महीने को आप 17 अक्टूबर तक के टाइम को एक अलग तरीके से ले सकते हैं। ये टाइम में 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आप बहुत लोनलीनेस फील करेंगे अपने आप में। हो सकता है कोई एनजीओ से जुड़ेंगे, कोई ट्रस्ट से जुड़ेंगे, लोगों की मदद करेंगे। आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश करिएगा। किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं करिएगा इस समय में। हो सकता है कि कोई आपको बेवकूफ भी बनाएगा इसमें, आपका एडवांटेज लेने की कोशिश भी करेगा, और पर्टिकुलरली कोई फीमेल हो सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपका कोई अननेसेसरी एडवांटेज भी ले सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूँ, उसके पहले आपको केयरफुल रहने की डेट्स बता रहा हूँ मैं। देखिए यू हैव टू बी केयरफुल, ये डेट को कहीं कैलेंडर पे रिमार्क कर दो। अगर आपका तुला लग्न है इसको डेट पर क्रॉस कर दो। अगर आपका नया जॉब है या नया बिजनेस कर रहे हैं, ये डेट बहुत अच्छा खासा काम आएगा आपको। अभी इसको मैं डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूँ। देखिए 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो टाइम है ये हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है। हो सकता है 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आप कोई ट्रैवलिंग में जाए, पैसा खर्च होगा और झगड़ा भी हो सकता है। डोंट गेट एक्साइटेड अगेन एंड अगेन, बहुत गर्म नहीं हो जाइएगा। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के दिन काफी एक्सपेंसिव रहेगा। हो सकता है आपके कोई मैटरनल अंकल हो, उनसे मुलाकात हो सकती है, पैसा लोन मांगना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। अवॉइड करें खर्च को जो अननेसेसरी है उसको। 3 और 4 अक्टूबर एक ऐसा दिन उगेगा आपके लिए जो आप छा जाएंगे, यानी कि आपके जो भी काम आपने तय किए 3 और 4 अक्टूबर को ये हो जाए। 3 और 4 अक्टूबर आप मैरिज लाइफ के लिए बहुत बेस्ट टाइम। आपका सोशल रिकग्निशन मिलेगा 3 और 4 अक्टूबर। 3 और 4 अक्टूबर इन शॉर्ट कोई भी काम कर रहे हैं आप जिसमें पब्लिक से रिलेटेड कनेक्शन हो, ये बेस्ट और बहुत इजीली आप खत्म कर पाएंगे। 5, 6 और 7 अक्टूबर आप मानसिक तनाव में रहेंगे। हो सकता है आपका पत्नी का परिवार, देखिए 5, 6, 7 आप तनाव में रहेंगे, आपके पत्नी के परिवार के साथ का कोई कनेक्शन भी आ सकता है 5, 6, 7 अक्टूबर को। ये दिन सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव दिन रहेगा 5, 6, 7 अक्टूबर, बट ठीक है, वो मैरिज लाइफ का जो तारीख था वो 3 और 4 तारीख आपके स्पाउस के साथ का बहुत अच्छा कनेक्शन था। 5, 6, 7 थोड़ा टेंशन से दूर रहिएगा, मतलब जब आपको लगे कि यहाँ टेंशन होगा ये तारीखों को अवॉइड करिएगा। अब 8, 9 और 10 ये टाइम है आपके लिए कोई ट्रैवलिंग का। हो सकता है शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकता है रिलीजियस ट्रैवलिंग हो। 8, 9 और 10 को आपका माइंड एकदम रिलीजियसनेस पे उतर गया होगा, और आपके भाई बहन के वैवाहिक जीवन के साथ भी कुछ पॉजिटिव कनेक्शन आएगा आपका 8, 9 और 10 को। 11 और 12 तारीख इफ यू आर ए जॉबलेस बेस्ट है। इफ यू आर ए बिजनेसमैन बहुत बड़ी मीटिंग होगी, बहुत अच्छी खासी आपको सक्सेस मिलेगी 11 और 12 तारीख को। जनरली देखिए तुला लग रहा है आपका, ये व्यापार का लग्न है। तुला मतलब तराजू, तराजू कभी व्यापारी के पास पैसा नहीं होता ऐसा होता ही नहीं। तराजू बहुत पैसा कमाता ही है, वृषभ से कम होता है लेकिन तराजू पैसा कमाता ही है। तुला लग्न के घर में लक्ष्मी ना हो ऐसा नहीं होता, होता ही है। लक्ष्मी तुला लग्न है तो आपके घर में लक्ष्मी होगा, लेकिन जहां आपके रिश्ते होते हैं, रिलेशन होते हैं, वहां हमेशा आपको घाटा होता है। वहां लोग आप उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते, वहां आपको हमेशा ज्यादा खर्च होगा। और ये टाइम है 1 और 11 और 12 अक्टूबर को अगर आप जॉबलेस है तो बेस्ट टाइम है आपके जॉब के लिए। अब 13, 14 और 15 अक्टूबर मैंने देखा, देखिए लिखा है शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है।
मतलब ये टाइम है आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करने का। 13, 14, 15 बेस्ट साबित होने वाला है, द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। और मैं इसको 13, 14, 15 को कोई ना कोई आपका माइंड में बहुत बड़ा एम्बिशन भी आप सोचने लग जाएंगे, वो शायद बहुत बड़े आदमी से आपका मुलाकात भी होगा 13, 14 और 15। अब देखें 16, 17, 18, ये बेवकूफ बनने का टाइम है इस महीने का। जो मैं आपको बोल रहा था वो अंत में आया है, वो 16, 17, 18। दिस इज एन एक्सपेंसिव टाइम। आपके शरीर का कैपेसिटी देखिएगा ये महीने में, पर्टिकुलरली जब तक 17 अक्टूबर तक, 24 सितंबर से, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा मजा करने के लिए नहीं जाइएगा। आपकी कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज करिएगा, आपकी लिमिट में पत्ता फेंकिएगा, अदरवाइज आप ज्यादा ट्रबल में आ जाएंगे। सो आई सेड यू हैव टू बी केयरफुल। 16, 17 और 18 कोई ना कोई आपको हो सकता है बेवकूफ भी बनाएगा। 16, 17, 18 आपके पीठ के पीछे अगर नौकरी करते होगे तो षड्यंत्र भी चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा 16, 17, 18 को। अब 19 और 20 तारीख को आप वो रेक्टिफाई करेंगे जो गलती की है आपने 16, 17, 18 में। 16, 17, 18 कुछ गलती भी होगा उसको रेक्टिफाई कर लेंगे आप 19 और 20 को। इस महीने में फिनेंशियली बेस्ट दिन है 21, 22 और 23। 21, 22 और 23 में आपके हाथ में पैसा आना ही चाहिए, ये बेस्ट टाइम है। आपका पूरा फैमिली हो सकता है जमा हुआ हो 21, 22, 23। यू विल एंजॉय ऑल थ्री थिंग्स, मतलब आपका परिवार, फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। ये 21, 22, 23 अगर ज्योतिष को अजमाना हो, अगर आपको लगता है कि आपका ज्योतिष पर विश्वास नहीं है, बहुत लोग मेरे को बहुत बार बोल देते हैं, 21, 22, 23 तारीख को पैसा मांगिएगा किसी से, 22 तारीख को मिलना ही है आपको, समझ में। अगर आप लाख रुपया मांगोगे तो 50 तो मिलेगा ही, और हो सकता है आपका अच्छा खासा रिलेशन हो तो पूरा का पूरा आपका फिगर जो आप तय करते हो वो पूरा मिलेगा 21, 22, 23 को। जहां कहीं आपको क्लिक करना हो पैसे के लिए उसको क्लिक कर सकते हैं आप। 24, 25 और 26 अक्टूबर द टाइम टू डिक्रीज द बैड रिलेशनशिप विथ योर ब्रदर्स। आपके भाई बहन के साथ का देखिए, आपका तृतीय 6 में और तृतीय और षष्ठेश एक ही ग्रह, मतलब भाई बहन के साथ का रिलेशन बहुत बार मैं देखता हूँ लिब्रा लग्न के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, बट ये टाइम है जब आप 24, 25, 26 में रिलेशन को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकेंगे। 24, 25, 26 का दिन आपका पड़ोसियों के साथ के लिए एंजॉय करने के लिए पड़ोसियों के साथ एक अच्छा दिन रहेगा। 24, 25, 26 आप में कहीं बहुत डेयरिंग भी आ सकती है। 24, 25, 26 में अच्छा दिन मानता हूँ। 27 और 28 अक्टूबर यू विल फील अ हैप्पीनेस एट होम, घर में एक अजब शांति का आप अनुभव करेंगे 27, 28 को। मम्मी के साथ का डिस्टेंस अगर कहीं बढ़ गया हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बहुत मामा के साथ का रिलेशन, माँ है आपके, मामा है आपके, बहुत जिंदगी बहुत तकलीफ से देखे हुए पर्सनालिटी आपके जीवन में, देखिए आपके पापा है थोड़े मनस्वी है, मनमौजी और ज्यादा सेंसिटिव है, और मम्मा ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है, और पापा मम्मी का जो वैवाहिक जीवन है आपका वो बहुत कैलकुलेटर कैलकुलेशन वाला वैवाहिक जीवन है। आपके घर के अंदर जो वातावरण है, पापा मम्मी का तो वातावरण है ही ऐसा आपका, लेकिन आपके भी घर के अंदर जो वातावरण है बहुत कैलकुलेटिव वातावरण है आपके घर के अंदर, मतलब पैसे का मिसयूज नहीं होना चाहिए, काफी अच्छा वातावरण है। और आप 27, 28 को यू विल बी हैप्पी एट होम। 29, 30 और 31 तारीख द टाइम टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। आपके संतान और आपके बीच में का डिस्टेंस कम करने का टाइम है। किसी को प्यार करते हो तो पूछ लो 29, 30, 31 को, ये भी समय अच्छा रहेगा। तो ये है अबाउट डेट वाइज की बात, उसमें अभी आप थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए जॉबलेस है तो 11 और 12 तारीख बेस्ट रहेगा, बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है 11, 12 तारीख को। बिजनेस करते हो तो 18 अक्टूबर के बाद ही होगा, क्योंकि 18 अक्टूबर तक तो आपका 17 अक्टूबर तक का 24 सितंबर से सब घाटे के सौदे हैं समझो एक तरीके से, या बहुत खर्च होगा, आपको कोई बेवकूफ भी बना सकता है 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। आफ्टर 18 अक्टूबर आपका बिजनेस में धीरे धीरे स्पीड आने लग जाएगा। भले शुक्र देखिए अभी लोप हो गया है, 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक शुक्र आसमान में दिखाई नहीं देगा, शुक्र का अस्त हो गया है, लेकिन फिर भी आपके सितारे थोड़े बहुत हेल्पफुल तो रहेंगे ही आपको। हेल्थ के लिए आई सेड फर्स्ट एंड सेकेंड केयरफुल, हेल्थ के लिए मैंने ऊपर ही बताया था आपको, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हेल्थ। इस दिन में झगड़े से भी बचिएगा, आपको लगेगा ये बात झगड़े के उस पर जा रही है तो रुक जाइएगा, सामने से चल के मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं फेंकिएगा,
स्टूडेंट के लिए मैं बेस्ट मानता हूं 13, 14, 15, 29, 30, 31। अब गुरु गया है 6वें स्थान में, बट इस महीने का स्टूडेंट के लिए 13, 14, 15, 29, 30, 31 बेस्ट है। आप ये ध्यान में रखें, स्टूडेंट है तो हार्ड काम करना पड़ेगा। गुरु आपका जो अभ्यास का कारक है, ये अभी रेट्रो हुआ है और आपके बुद्धि स्थान में भी थोड़ा बहुत बेनिफिट देगा, यानी कि 29 जुलाई से 23 नवंबर तक कोई ना कोई छोटी मोटी एजुकेशनल ये आपको सक्सेस भी दे देगा। 29 जुलाई से 23 नवंबर में छोटा मोटा कोई सक्सेस जरूर देगा ये। आप प्यार करते हैं उनके लिए 25 अक्टूबर बेस्ट है। तुला में चंद्र शुक्र का युति है, मतलब आपके लग्न में ही चंद्र शुक्र का युति है 25 अक्टूबर को। मतलब अगर आप प्रपोज करना चाहते हो, किसी को प्यार करते हो, अगर शादीशुदा है तो ये रोमांटिक दिन साबित होने ही वाला है। आप तो ऐसे भी तुला लग्न है तो रोज ही रोमांटिक होते हैं। मैं अनुभव करता हूँ, तुला लग्न को अनुभव करता हूँ, ऋषभ को करता हूँ, मीन को करता हूँ। हमेशा देखिए अचानक गाना गाएंगे, आनंद में जिएंगे। कोई भी लग्न हो, लग्न में शुक्र हो तो ही आदमी जिंदगी, एक लग्न में शुक्र होना चाहिए या शुक्र का लग्न होना चाहिए, जिंदगी आनंद का बीतता है। सो प्यार करने के लिए 25 अक्टूबर बेस्ट है। मैरिज के लिए अभी गुरु का सपोर्ट नहीं है, गुरु 6वें स्थान में, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैरिज। विवाह का मैं नहीं मानता कोई संभावना है। शेयर मार्केट के लिए 13, 14, 15 बेस्ट है ऐसा मैं मान रहा हूँ। 13, 14, 15 बेस्ट है। 29, 30, 31 के दिन आप कुछ सीखेंगे। अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो 29, 30, 31 आपको एक सबक सिखा के जाए। सबक मतलब एक कुछ ना कुछ आपको लर्न करने को मिलेगा 29, 30 और 31 को। शेयर मार्केट के लिए 13, 14, 15 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ मेजर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। अब ये है अबाउट आपका लेखा जोखा, उसमें देखें आपका 7th हाउस में रहा हुआ है। पत्नी के साथ ज्यादा विवाद में नहीं पड़े, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने की संभावना भी बता रहा है। शुक्र 12वें में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर में मैंने लिखा है कि अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, नो रॉन्ग डिसीजन, फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकता है, कोई ना कोई आपको बेवकूफ भी बना सकता है। और आपके चरित्र को मेंटेन करिएगा, क्योंकि सप्तम में राहु आया इंसान कभी कभी एकदम नीचे गिर जाता है अपने चॉइस के मामले में, अपोजिट सेक्स के। अब गले आपके केतु लग्न में है, आपको स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहिए हर बुधवार को हो सके तो। हर अमावस को विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाइए, गले में रुद्राक्ष धारण करिए और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को किसी को जानने दीजिएगा नहीं। लग्न में केतु आया है, ये आपके जीवन में कम से कम 1.5 साल तक, अक्टूबर 2023 तक 1.5 साल तक ये आपको अपने आप से इनसेटिस्फाइड रखेगा। हो सकता है देखिए नजर लगने की संपूर्ण संभावना के क्षेत्र में आप एंटर कर चुके हो अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक। जनरली देखिए लग्न में केतु अगर जन्म का है तो होता ही है। पत्नी से कहीं ना कहीं आप अभी टारगेट होना चाहिए, आपके पास टारगेट है तो आप काम कर पाएंगे। अगर टारगेट अपने आप को कहीं टारगेट नहीं दिया हुआ तो ये केतु आपको लग्न का सताता रहेगा। स्ट्रीट डॉग को जरूर खाना खिलाइएगा। मंगल है देखिए 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक अभी आपके धर्मस्थान में आ रहे हैं। एक कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आपका मैं देख रहा हूं, ये भी हो सकता है। शुक्र 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 12वें स्थान में है, यानी कि इस समय में इंसान अपने आप को ही छोड़ देता है, यानी कि बहुत बार रिलीजियस प्लेस पे जाने की कोशिश करता है। अगर आंखों का प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कि कैटरेक्ट वैटरेक के ऑपरेशन हो सकते हैं, क्योंकि 6वां गुरु तो आ ही चुका है। ये हेल्थ के लिए जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उनको भी केयरफुल रहना चाहिए। गुरु 6वें स्थान में है, डायबिटीज पर्टिकुलरली 6वें स्थान का गुरु है। इस साल जाते जाते यानी कि अप्रैल 2023 तक अगर उम्र बड़ी है तो डायबिटीज का भी आपको ट्रबल देना शुरू कर सकता है। ऐसे समय से ये 6वां गुरु आपका जा रहा है। और बुध देखिए कन्या से तुला राशि में आ रहा है 26 अक्टूबर से, यानी कि 26 अक्टूबर से बुध का भी अभी देखिए जो बुध 12वें में है 21 अगस्त से 25 अक्टूबर तक 12वें में बुध होगा तो बात करोगे जितना कम उतना फायदे में रहता। विवाद को टालना चाहिए। आपका भाग्येश भी है, बाद में भाग्य का स्वामी आपके लग्न में आ रहा है, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बुध 26 अक्टूबर से 12 नवंबर बेस्ट टाइम रहेगा। इन शॉर्ट देखिए ये महीना आपके लिए मैंने डिसीजन को हो सके उतने पेंडिंग रखने के लिए बोला है आपको। और जब तक शुक्र 17 अक्टूबर तक डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। जो डिसीजन आपने 24 सितंबर के पहले ले लिए उसको तो आप चलाओ, कर सकते हो करो, लेकिन 24 सितंबर से 17 अक्टूबर अगर आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा रिस्क लगता है
वो रिस्क नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कोई तकलीफ में डाल दे। अब ये अमाउंट देखिए, अभी ये महीने में मेरे जो इतने व्यूअर्स है और उनके परिवार वालों को मैं ये दशहरा की शुभकामना देता हूँ, और इस महीने में दिवाली भी है, दिवाली 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा, मैं दिवाली की भी मेरी बेस्ट विशेष देता हूँ मेरे सभी व्यूअर्स को। और इस महीने में सूर्य ग्रहण है, देखिए 25 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को होता है। इस बार सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को हो रहा है और शाम को 5 से 6 बजे के बीच ऑल ओवर इंडिया में ये ग्रहण का इफेक्ट रहेगा, इंडिया में दिखने भी वाला है। जो पूरब की तरफ वाले जो प्लेसेस है हमारे नक्शे में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे उसको, वहां नहीं दिखने वाला है, बाकी अपने महाराष्ट्र और ये सब सेंटर प्लेस और वो सब जगह ये ग्रहण का इफेक्ट दिखाई देगा। 25 अक्टूबर को शाम को 5 से 6 बजे तक में अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, चाहे फिर वो श्री सूक्त हो या कोई और मंत्र हो, उसको अगर आप सिद्ध करना चाहते हो, कोई जैसे आप सूर्य का मंत्र करते हो या मंगल का मंत्र करते हो, तो उसको सिद्ध करने के लिए ये बेस्ट टाइम है 25 अक्टूबर और शाम को 5 से 6 बजे का टाइम। अब इस महीने में देखिए 24 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन, महालक्ष्मी पूजन है शाम को 6 से 8 बजे का टाइम है, शाम को 6 से 8 का टाइम है। अगर बंबई में रहते हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ज्योतिष के शौकीन है तो उनके लिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 स्थिर लग्न है। कुछ देखिए, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये है चर लग्न। चर माने मूवमेंट में होना, चर स्थिर और द्विस्वभाव। अब मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, धनु लग्न है और मीन लग्न है, ये द्विस्वभाव है, मतलब कंफ्यूज ही रहता है, हमेशा ड्यूअलिटी पे चलता है, करूं नहीं करूं की कंफ्यूजन में, मतलब ड्यूअलिटी है वो, इसको चर भी नहीं बोल सकते और स्थिर भी नहीं बोल सकते। जो स्थिर लग्न है उसमें हम लोग हर लग्न, अभी हमारी कुंडली में जब भी हम देखते हैं हमारा जब जन्म होता है, मैं ये आपको महालक्ष्मी पूजन के डिटेल्स में बता रहा हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तो पूरब दिशा में जो राशि जो आसमान में उदित होती उसको हम लोग लग्न बोलते हैं, वो ज्यादा सक्रिय होता है। और ये लग्न 2 घंटा ही टिकता है, क्योंकि 24 घंटे में हर 2-2 घंटे से एक एक राशि बदलता है और 12 राशि है हमारा, यानी कि वो वापस वहीं आ जाता है समझो। जनरली क्या होता है, देखिए आज अगर थोड़ा 2-4-5-10 मिनट का फर्क पड़ता है, जैसे आज अगर 12 बजे अगर तुला लग्न उदित हुआ है तो कल भी 12 2-3-4 मिनट ऐसा आगे आगे पीछे होता रहता है, बट तुला लग्न ही उदित होता रहेगा, ये आगे आगे होता है थोड़ा थोड़ा, और धीरे 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 फिर वो आगे का सूर्य का इफेक्ट से वो स्क्वायर अप होता रहता है। तो जनरली जो स्थिर लग्न है, मतलब हर लग्न 2-2 घंटा रहता है, मतलब जो ये मैंने तुला लग्न की बात की कि 2 घंटा रहता है, फिर बाद में वृश्चिक लग्न आता है, फिर धनु लग्न आता है। हम लोग जब भी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो ये कामना करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर स्थिर रहे, अन्न पगामिनी बोला जाता है लक्ष्मी जी को, यानी कि उसके पैर नहीं होते, पैर दिखाई नहीं देता, कमल में खड़ी रहती है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी का जो पूजा होता है वो स्थिर राशि में करते हैं ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए और स्थिरता प्राप्त करें। 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए लक्ष्मी आए ऐसा कोई नहीं चाहता, इसके लिए हम लोग स्थिर लग्न को प्रीफर करते हैं और स्थिर नवमांश को प्रीफर करते हैं। तो वो जो बंबई वालों के लिए 1940 से 1952 तक का जो समय, ये बंबई के लिए स्थिर राशि और स्थिर लग्न, यानी कि वृषभ राशि, वृषभ लग्न और कुंभ नवमांश है। तो इस समय में अगर आप हो सके, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः का जितना मंत्र हो सकता है, ऐसे तो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक करोगे तो भी चलेगा, और अगर बंबई में रहते हैं तो इस समय में 1940 से 1952 में श्री सूक्त करेंगे, उवग सरम करेंगे, कनकधारा स्तोत्र करेंगे तो बहुत लाभदायक रहेगा, लक्ष्मी का आपके ऊपर परम कृपा रहेगी। और मैं आपको बेस्ट विशेष दे रहा हूँ कि ऐसा ही हो, भगवान करे आपके घर में लक्ष्मी वास करे सदैव। तो ये है अबाउट इस महीने का लेखा जोखा। अब देखें इसमें 7 और 22 तारीख को प्रदोष है, अगर आपके कर्मस्थान में कर्मस्थान का स्वामी चंद्र है, यानी कभी कभी बहुत काम होता है, कभी कभी काम नहीं होता, सीजनल प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं आप, दिल से काम करते हैं आप, कलाकार जैसे लोग हैं, वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, शुक्र का लग्न है, तुरंत लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की बड़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कला होती है आप लोगों के पास। अगर आप काम धंधे में सक्सेस नहीं हो रहे तो शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा 7 और 22 अक्टूबर को, प्रदोष का व्रत करिएगा 7 और 22 तारीख का ये दिन। और चतुर्थी है, देखिए अगर आपके वैवाहिक जीवन का जो स्पाउस है वेरी एम्बिशियस, एक बार डिसाइड करेगा वो करता है, आप जितना सुंदर नहीं होता, और तुला लग्न, सभी तुला और वृषभ लग्न के लिए आप देखें उनके स्पाउस को, तो ये रोमांटिक ज्यादा दिखाई देते हैं, भले मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
अगर आप फीमेल है तुला लग्न है, बहुत सुंदर होता है। तुला लग्न के फीमेल्स बहुत सुंदर होती है, वृषभ लग्न के भी फीमेल्स बहुत सुंदर होते हैं। तो ये आपको अगर आपके स्पाउस से शिकायत है, उसके नेचर से शिकायत है, तो संकष्टी का व्रत करिएगा 13 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को संकष्टी, और ये विनायक चतुर्थी 28 अक्टूबर को। कोई गणेश मंदिर है उसमें जाकर भगवान श्री गणेश का दर्शन करिएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा, गणेश गायत्री मंत्र अथर्वशीर्ष और गणेश सहस्त्रनाम का पाठ होना चाहिए, और घर में हमेशा गणपति के फोटो होने चाहिए। आपका घर साउथ फेस है तो भी घर में बहुत क्लैशिस होता है, क्योंकि आपके सप्तम स्थान में मंगल की राशि है, यानी कि आपका स्पाउस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और एक बार डिसाइड करता है वो कंप्लीट करता है, और बहुत एम्बिशियस है। लक्ष्मी सदैव तुला लग्न वालों के घर में वास करती, तुला लग्न वाला के घर में लक्ष्मी वास नहीं करती ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि ये व्यापार का लग्न है। जहां रिश्ते आ जाते हैं वहां तुला लग्न फेल हो जाता है, यानी कि वो वहां बिजनेस नहीं कर पाता जहां रिश्ते आते हैं, मतलब रिलेशंस में तुला लग्न हमेशा फेलियर साबित होता है। उसके मतलब उसके जो काम करने की जो प्रोसीजर है उसमें उसको उसके घर वाले लोग रिश्ते में लोग बेवकूफ बना लेते हैं। ये गजकेसरी योग की तारीख है 2/9/16/23/29, बट ये तारीख और ये तारीख को हमेशा कंपेयर करिएगा। ये मेन तारीख है सब जो मैंने डेट वाइज अभी प्रिडिक्शन किया, आपको ये तारीख में केयरफुल रहना है। नया जो नौकरी है, नया जॉब है, नया बिजनेस है, आपको ये तारीख को रिमार्क कर दीजिएगा। और इस महीने में 24 सितंबर से 17 अक्टूबर अपने खर्च को कंट्रोल करिए। हो सकता है वरदान दे दिया हो तो आगे निभाइएगा उसको, पर 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का समय में बेवकूफ नहीं बनिएगा। सामने से चल के आप डोनर हो जाएंगे 24 सितंबर से 17 अक्टूबर में। आप कोई, मैं बोला पहले ही बोला कि कोई एनजीओ से जुड़ेंगे, कोई डोनेशन करेंगे, बहुत पैसा वापरने का आनंद होना ही चाहिए, और वो आपको 24 सितंबर से 17 अक्टूबर में होगा। तो ये लेखा जोखा है उसमें पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया कि विष्णु सहस्त्रनाम आपको करना ही है। इस महीने में 25 अक्टूबर को अमावस है, अमावस के दिन ही ये सूर्य ग्रहण है। 25 अक्टूबर के दिन शाम को 6 से 6 बजे के करीब, 5 से 6 में कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा। देखिए आपके अष्टम में मंगल आया, मतलब आपका जो स्पाउस है 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक आपको स्पाउस का पैसे का लाभ कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए 10 अगस्त से 15 अक्टूबर। लेकिन वो बहुत बोल रहा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, और वो आपके लिए 15 अक्टूबर तक जो मंगल का जो पेनफुल नेचर है वो देता ही रहेगा आपको। ये है अबाउट लेखा जोखा आपका इस महीने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।